तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम भाषा भारती कक्षा 5 पाठ 4, और पाठ का नाम है हम भी सीखें, और इसके लेखक हैं गोपाल कृष्ण कौल। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए गए शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो यहाँ पे देखते हैं, उत्तर है हित का हो जाएगा भला, तरु का पेड़, त्यागी का त्याग, करने वाला और वाणी का स्वर या आवाज, और पथिक का राहगीर, राह चलने वाला, और खुशबू का सुगंध, और माया का मोह, और संपत्ति पिछड़ा का पीछे छूटा हुआ, और अनपढ़ का शिक्षित बिना पढ़ा लिखा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न का, अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा परम कर्तव्य है कि हम उन्हें पढ़ाएं, उन्हें शिक्षित करें। और अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 5, धरती से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, धरती से हमें विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न प्राप्त होते हैं। और अगला प्रश्न है, गा, पेड़ हमारी सेवा किस प्रकार करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पेड़ हमें खुशबूदार सुंदर फूल देते हैं तथा मीठे रसीले फल देते हैं, साथ ही जलती दोपहर में थके राहगीरों को शीतल छाया प्रदान करते हैं, पेड़ मानव की सेवा करते हैं। और अगला प्रश्न है, घा, पिछड़े व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा, पिछड़े व्यक्तियों के प्रति हमारा पुनीत कर्तव्य है कि हम उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करें। और अगला प्रश्न है, डा, देश को आप क्या देना चाहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, देश हमारी मातृभूमि है, हमें इस पर अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी जान तक न्योछावर करने के लिए सदैव तैयार करना चाहिए। और अगला प्रश्न है, देश हमें देता है सब कुछ, मैं कवि का सब कुछ से क्या आशा है लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ कवि का सब कुछ से आशा जीवन के लिए उपयोगी उन सभी चीज़ों से है जिनके बिना हम खुशहाल एवं तनाव मुक्त जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। और प्रश्न नंबर 3 है हमारा, कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे, सूर्य हमें प्राप्त होता है तो यहाँ भरेंगे रोशनी। और अगला है, पेड़ों से हमें प्राप्त होता है तो यहाँ पे भरेंगे फल। और अगला है, हवा में हमें प्राप्त होता है तो यहाँ पे लिखेंगे जीवन। और अगला है, दीपक हमें प्राप्त होता है तो इसमें लिखेंगे उजाला। और अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, कविता की पंक्तियों द्वारा पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे लिखा है, औरों का भी हित हो जिसमें, तो इसके आगे लिखेंगे हम ऐसा कुछ करना सीखें। और यहाँ पे भरा लिखा है, हम मेहनत के दीपक जलाकर, इसके यहाँ पे भरेंगे नया उजाला करना सीखें। और अगला है, देश हमें देता है सब कुछ तो यहाँ पे लिखेंगे हम भी तो कुछ देना सीखें। और अगला प्रश्न है, यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए तथा उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे, मिट्टी, वाणी, पथिक,
रोशनी अनपढ़ पिछड़ा। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा मिट्टी का होगा, मिट्टी के घड़े से घड़े में पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा रहता है। और अगला है वाणी, हमारी वाणी में मिठास होनी चाहिए। अगला है पथिक, पुराने समय में पथिकों के आराम के लिए रास्ते में सराय होती थी। और अगला है रोशनी, हमें ज्ञान की रोशनी से अज्ञानता के अंधकार को दूर करना चाहिए। और अगला है अनपढ़, आज के युग में अनपढ़ रहना अभिशाप सरीखा है। और अगला है पिछड़ा, यानी उड़ीसा देश एक पिछड़ा राज्य है। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके पर्यायवाची शब्द दिए हैं, इनमें एक शब्द सही नहीं है, उस पर गोला लगाएं। तो यहाँ पे तो देखते हैं, जैसे तरु इसका पर्यायवाची होता वृक्ष पादप पेड़, यानी लता नहीं होता यहाँ पे, यह गलत है लता, तो इस पर गोला लगाना। जैसे धरती क्या होता है जमीन पृथ्वी धरा भूधर, यानी भूधर नहीं होता, तो इस पर गोला लगाना। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए, जैसे देश को हमें कुछ सीखना है देना। तो यहाँ इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, हमें देश को कुछ देना सीखना है। और यहाँ पे नया जीवन हवा देती है, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, हवा नया जीवन देती है। और अगला है धरती पर होती है खेती, तो इसका सही हो जाएगा, धरती पर खेती होती है। और अगला है पेड़ देता छाया है, तो अगला इसका हो जाएगा, पेड़ छाया देता है। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण चुनकर अलग लिखिए, जैसे नया जीवन जलती दुपहरी खुशबूदार फूल नए फल अनपढ़ बालक प्यासी मिट्टी नया उजाला त्यागी तरुण। तो यहाँ पे विशेष ऐसे जीवन नया जीवन में है विशेष, नया जलती दोपहरी में है जलती, और खुशबूदार फूल में है खुशबूदार, नए फल में नए, अनपढ़ बालक में अनपढ़, और प्यासी मिट्टी में प्यासी, और नया उजाला में नया विशेष शब्द है नया, और त्यागी तरु में त्यागी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, जैसे हित का अहित, प्रारंभ अंत, जीवन का मृत्यु, प्रकाश का हो जाएगा विलोम शब्द अंधकार, सुगंध का हो जाएगा दुर्गंध, नया का हो जाएगा पुराना। और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को बहुवचन में बदलकर पुनः वाक्य लिखिए, जैसे पथिक को भोजन दो, यानी इसका बहुवचन में हो जाएगा पथिकों को भोजन दो, राम खेत में पानी देता है, तो इसका हो जाएगा राम खेतों में पानी देता है। और अगला है पेड़ की छाया शीतल होती है, तो इसका हो जाएगा पेड़ों की छाया शीतल होती है। और अगला है फूल पर तितली बैठती है, तो यहाँ पर हो जाएगा फूलों पर तितलियाँ बैठती हैं। और अगला है त्यागी तरु से कुछ सीख लेनी चाहिए, तो इसका हो जाएगा अनपढ़ों त्यागी तरु से कुछ सीख लेनी चाहिए। और अगला है अनपढ़ को शाला में पढ़ने भेजिए, यहाँ पर हो जाएगा अनपढ़ों को शाला में पढ़ने भेजिए। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप लोग नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग लेसन नंबर 5 ईदगाह देख सकते हैं। धन्यवाद।